बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको पता है कि हर घर में जो है वो अंडे बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो आज मैं जो आपको आपके लिए डिश लेके आई हूँ उसका ताल्लुक भी कुछ अंडों से ही है। तो मेरे घर में भी अंडे बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो इसलिए जो भी मुझे नई रेसिपी मिलती है या मुझे समझ आती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अंडों से रिलेटेड जो रेसिपीज ज़्यादा बनाऊँ, क्योंकि मेरे बच्चे अंडों से रिलेटेड रेसिपीज बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ एग मफिन्स। तो ये बहुत ही आसान और सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। तो प्लीज़ आप जो है वो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं आपको बताऊँ सबसे पहले हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें जो चीज़ों की ज़रूरत है वो इस तरह है। इसमें से हमने ये एग्स हैं, 5 अंडे हम लेंगे। उसके बाद ये चिली फ्लेक्स हैं, 1 टीस्पून है। ये ब्लैक चिली ब्लैक पेपर है, ये भी 1 टीस्पून है। उसके बाद ये नमक है, ये भी 1 टीस्पून है। फिर ये है कॉर्न है, और कॉर्न जो है तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून है। ये कैरेट है, गाजर कटी हुई, ये भी 2 टेबल स्पून है। ये सब्ज प्याज और दूसरा वाइट वाला प्याज, ये दोनों मिला के तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हैं। ये मिंट है, पुदीना, पुदीने के पत्ते मैंने लिए हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून ये। उसके बाद ये गार्लिक है, और गार्लिक जो है ये इसके 2 जवे हैं लहसुन के, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। उसके बाद जो है ये शिमला मिर्च है, येलो पेपर, ये है रेड पेपर, 2-2 टेबल स्पून ईच। ये टमाटर है, ये भी 2 टेबल स्पून है। और ये है बुलेट चिली, ये जो है 1 टेबल स्पून है। और ये मैदा है कुछ, तो ये जो मैदा है ये 2 टेबल स्पून है। और ये है ऑलिव ऑयल। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो है ऑलिव ऑयल ये इसके अंदर डालना है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। अब इसके बाद जो है मैंने साथ ही इसमें ये लहसुन डाल दूंगी। तो इस लहसुन को जो है हमने तकरीबन 1 मिनट से 2 मिनट तक पकाना है इसके अंदर, ऑयल के अंदर। आग में थोड़ी तेज करती हूँ, मैंने बिल्कुल स्लो की हुई थी। तो इसको हम 2 मिनट के लिए सिर्फ थोड़ा सा, जब ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे हल्के हल्के से, तो बस फिर हमने इसके अंदर बाकी चीज़ें डालनी है। मैं आपको बताती हूँ अभी। तो ये देखें व्यूअर्स, ये जो है ये येलो होना शुरू हो गए हैं। तो जैसे ही ये गोल्डन होना शुरू हो गए हैं, तो इसके अंदर ये मैं दोनों किस्म के जो अनियन है कटे हुए, प्याज, ये मैं डाल देती हूँ। और प्याज को तकरीबन हमने इसके अंदर 2 से 3 मिनट जो है वो करना है फ्राई। तो ये देखें व्यूअर्स, इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं प्याज को। तो अब हम इसके अंदर ये कैरेट, गाजर और ये कॉर्न, मकई के दाने, ये हम जो है ये डालते हैं, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड होते हैं, तो पहले इसलिए इसको डाला था। और इसको 3 मिनट के लिए जो है हम इसके अंदर फ्राई करेंगे, 3 मिनट ये। तो व्यूअर्स, इसको 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मैं फ्राई करते हुए। तो अब जो हम है ये शिमला मिर्च, येलो शिमला, येलो पेपर, रेड पेपर, टमाटर और ये बुलेट चिली, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसको हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही इसको करेंगे।
या 2 मिनट ही समय लें आप, 2 मिनट से ज़्यादा हमने इसको नहीं करना है इसके अंदर फ्राई, क्योंकि ये ओवन में भी जानी है सब्जियाँ इसके बाद। तो अगर हम इसको ज़्यादा इधर करेंगे फ्राई तो जो वो हमारे एग मफिन्स की खूबसूरती बननी है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये सारे मेल्ट हो जाएंगे और वो उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। तो आप ये जहन में रखिएगा प्लीज़ कि सिर्फ 2 मिनट। तो चलें, इसको 2 मिनट हो गए हैं, इसके अंदर जो है अब ये मैं पुदीना ऐड कर देती हूँ और इसके साथ ही ये अंदर मसाले, तीनों मसाले जो हैं ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। बस सिर्फ 1 मिनट इसको हम करेंगे मिक्स और इसके बाद जो है ये मैं आग बंद कर दूंगा। तो चलें ये मिक्स हो गया अच्छे तरीके से, तो अब इसकी आग जो है वो हम बंद कर देते हैं नीचे से, तो ये थोड़ी देर ठंडा हो जाए, तो तब तक हम जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अवियस ये मैंने 5 अदद अंडे लिए हैं और उनको मैंने तोड़ लिया है, तो ये है मैदा, तो मैदे के अब मैं जो 2 टीस्पून है ये इसके अंदर डालूंगी और अब जो है हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए इसके अंदर। इसका फायदा ये है कि इसकी जो है ना, जो आपने जब इसके अंदर सब्जियां वगैरह डालनी है और इसके मफिन्स आपने बनाने हैं तो ये इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी इस मैदे के साथ। अगर आप ये मैदा नहीं डालेंगे तो उसकी बाइंडिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं होगी, या अगर होगी भी तो वो टूट जाएंगे जब आप निकालेंगे उसके ट्रे के अंदर से, तो वो टूटेंगे। तो इसलिए आप ये जो है 2 टीस्पून के करीब मैदा 2 अंडों के अंदर शामिल करें और फिर इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। तो ये देखें व्यूअर्स, उसमें थोड़ी सी गुठलियाँ भी थी, बाकी चम्मच के साथ वो नहीं जा रही थी, तो इसलिए मैंने जो है ये बीटर लिया है ताकि इसके साथ जो ये चला जाए। ये देखें इसके साथ ख़त्म हो गई हैं उसके अंदर जितनी भी गुठलियाँ थी, तो ये बिल्कुल हमारा जो है इस वक्त रेडी हो गया। बस मैं वेट करूँगी कि सब्जी हमारी ठंडी हो जाए तो फिर हम इसको इसके अंदर मिक्स कर लें। तो मीनवाइल मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको साइड पे करके तो जो हमारी ट्रे है उसको हम रेडी कर लेते हैं। से जब अब हमारी सब्जियां ठंडी हो रही हैं तो इसको जो है हम उतनी देर में ऑयल लगा लेते हैं इसके अंदर, ताकि जब हमने मफिन बनाने हैं तो वो टूटे ना और आराम से बाहर निकल आए। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारी जो सब्जियां थी ये अब ठंडी हो चुकी हुई हैं, तो इसको जो है हम इसके अंदर इस वक्त ये अंडे के अंदर, जिसमें कि हमने ऑलरेडी प्लेन फ्लावर मैदा डाला हुआ है, उसमें इसको शामिल कर देते हैं। और इसको मिक्स करते हैं और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा जो है ना हम इस वक्त चीज इसके अंदर शामिल कर देंगे, तकरीबन इतना, ताकि ये थोड़ा सा चीज़ी हो जाए, तो बाकी जो है वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। इसके अंदर बस थोड़ा ही डालेंगे तो बाकी हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये इस वक्त हो चुका हुआ है, तो चलें अब जो है हम वो शुरू करते हैं और इसके अंदर ट्रे के अंदर डालते हैं इसको। तो इसको आपने ज़्यादा नहीं, ऊपर तक नहीं भरना है, क्योंकि ये फूलेगा तो ये फिर बाहर निकलेगा, बस इसको इतना इतना आपने भरना है। तो इसी तरीके से हम जो है वो सारे ये फिल कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखें व्यूज, इस वक्त ये जो है मैंने इसमें डाल लिया है सारा, और अब हम इसको जो है प्री हीट ओवन के अंदर 180 पे मैंने इसको ऑलरेडी प्री हीट कर लिया हुआ है, उसके अंदर हम इसको रख रहे हैं। इसको हम रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, लेकिन दरमियान में इसको एक दफ़ा निकाल लेंगे और फिर इसके ऊपर चीज़ हम लगाएंगे। तो ये देखें व्यूज, इसको तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने निकाला है, ये थोड़े थोड़े हार्ड हो गए हैं और फूलना शुरू हो गए हैं, तो इसके ऊपर इस वक्त जो है मैं ये चीज़ डाल देती हूँ सबके ऊपर। इसी तरीके से मैं सबके ऊपर चीज़ डाल देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने ये जो है इस वक्त चीज़ डाल दी है सबके ऊपर, तो अब हम इसको दोबारा से ओवन के अंदर रख देते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें, ये इस वक्त बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और इसको मैंने ओवन से बाहर निकाल लिया है। इस वक्त बस ये 2 मिनट के लिए ठंडे होंगे, तो फिर इसके साथ ही इसको मैं निकाल के तो आपको प्लेटिंग करके तो दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखिए, हमारे जो एग मफिन्स हैं ये बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो सुबह सुबह चाय के साथ इसको नाश्ते में अगर हम खाएंगे तो ये बहुत ही लजीज लगते हैं चाय के साथ। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को भी आप दें और उनके टिफ़िन बॉक्स में डाल के दें, या आप नाश्ते में इसको खाएं, मेहमानों के आगे रखें, चाय के साथ ये नहायत ही लजीज लगते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।